अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव रिवाइज द प्रीवियस लेसन। टुडे आवर टॉपिक इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर मीन मुस्तकबिल, कंटीन्यूअस मीन जारी, यानी कि मुस्तकबिल में हमारा कोई काम जारी हो। तो इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं आमतौर पर विल बी और शैल बी। शैल बी जो हम होते हैं स्पेसिफिकली आई और वी के साथ हम शैल बी अप्लाई करते हैं, बाकी सब कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हम विल बी अप्लाई करते हैं। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। जैसे कि प्रीवियस हर टेंसेज में हम कंटीन्यूअस में आई एन जी ही अप्लाई करते हैं। नाउ मूव टू द स्ट्रक्चर। जैसे कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसे कि इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात की जा रही है, दैट्स वाई जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या तो वो विल बी होगा या फिर शैल बी होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी का एडिशन कर दिया जाएगा और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है, जब भी हमारे पास टू हेल्पिंग वर्ब आ जाए जैसे विल और बी है, तो जब ये नॉट में आ जाए नेगेटिव में आ जाए तो हमेशा जो नॉट होता है वो दो हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में लगाया जाता है। अगर नेगेटिव में कोई सेंटेंस आ जाए तो हम क्या कहेंगे, विल नॉट बी शैल नॉट बी। नाउ मूव टू द एग्जांपल, वी शैल बी थिंकिंग अबाउट यू। अब हम इस पर स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं, वी इज सब्जेक्ट, शैल बी इज अ हेल्पिंग वर्ब, थिंकिंग इज वर्ब, थिंकिंग अबाउट वर्ब, यू इज ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, सीइंग वर्ब, अस ऑब्जेक्ट और टुमोरो एडवर्बियल की बात की जा रही है। नाउ ओपन द इंटेंसिव कोर्स इन इंग्लिश, लेट स्टार्ट द यूनिट नंबर 5 एंड गो टू द पेज नंबर 33। जैसा कि आप इसकी लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरह देख सकते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात की जा चुकी है जो कि आपको पहले ही समझा देंगे। जैसा कि मुस्तकबिल में कोई एक्शन जो कंटीन्यूअस में हो तो उस सूरत में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस लगाते हैं। नाउ मूव टू द रिटन पार्ट, रिप्लेस द वर्ड इन बोल्ड विद द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, मेक एनी अदर चेंज इज नेसेसरी। सो इसमें जो एक चीज़ आपने याद रखनी है पहली, तो वो है कि हमने इसमें जो टेंस लगा हुआ है यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात की जा रही है तो वो अप्लाई करेंगे, और बोल्ड फॉर्म में यानी यहाँ पे जो हमें अल्फाज गहरे करके दिखाए गए हैं बोल्ड फॉर्म में जो नुमाया किए गए हैं उनको हमने ब्रैकेट में जो भी प्रोनाउन दिया गया है उसके साथ हमने चेंज करना है। सो एक दो एग्जाम्पल इसकी हम सॉल्व करते हैं, बाकी बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत सॉल्व की जाएंगी। जैसा कि है, आई शैल बी गेटिंग इन टू द ट्रेन दिस टाइम नेक्स्ट फ्राइडे, और आगे हमें कौन सा प्रोनाउन दिया गया है, ही। तो हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम आई की रिप्लेसमेंट पे क्या लगा देंगे, ही। और जैसा कि पहले ही बताया गया है कि आई वी के साथ शैल आएगा, और जैसे अब हमारा जो मेन वर्ब है वो ही हो गया तो हम शैल को कट करके क्या लगा देंगे, विल। ही विल बी गेटिंग इनटू द ट्रेन दिस टाइम नेक्स्ट फ्राइडे। द नेक्स्ट वन इज व्हाइल वी आर लर्निंग इंग्लिश, मैरी विल बी फ्लाइंग टू हॉन्गकॉन्ग। यहाँ पे बोल्ड फॉर्म में हमें मैरी दिया गया है और आगे हमें ब्रैकेट में यू दिया गया है, यानी हमने मैरी को रिप्लेस करना है यू के साथ, और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, विल ही आता है। अगर यहाँ पे मैरी की जगह आई या वी लगाया जाता तो मैं विल की बजाय यहाँ पे शैल लगा देती। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं बाकी एग्जाम्पल भी उसी पैटर्न के तहत सॉल्व की गई है, लेकिन इसमें जो एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, जैसा कि यहाँ पे शी वॉन्ट बी फीलिंग एक्साइटेड, वॉन्ट यानी विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म को ही वॉन्ट कहेंगे हम, और अगर यहाँ पे हम शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म अगर की जाएगी तो उसको हम क्या कह देंगे, शॉर्ट फॉर्म को शॉन्ट, क्या कह देंगे, शॉन्ट। तो इससे आपने पजल नहीं होना कि कौन सी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत मैंने ये किया है। जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो टैग क्वेश्चन में आ रही है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। जिस तरह यहाँ पे दे दिया गया था तो हमने इसे वी के साथ एक्सचेंज करना था, और जब वी के साथ हमने एक्सचेंज किया तो हमारा हेल्पिंग वर्ब
ऑटोमेटिकली ऊपर वॉन्ट था यानी विल नॉट था, तो हमने नेक्स्ट पे से क्या कर दिया है, क्योंकि वी के साथ शेल लगाते हैं तो हमने वी शॉन्ट और टैग क्वेश्चन में भी हमने विल को रिप्लेस करके शेल लगा दिया और आगे जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमने वी अप्लाई कर दिया। बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत एग्जाम्पल 6 और 7 भी दी गई है। जैसे 5 पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, 6 और 7 पे भी यही एक्सप्लेनेशन जो है इस पर पूरी उतरती है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जैसा कि भी आपने पीछे पढ़ा है जिसमें हम विल बी और शैल बी लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम इसकी सॉल्व करते हैं, बाकी एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत सॉल्व की जाएंगी। मिस्टर वोंग कैन नॉट कम, ही डैश मेन वर्ब हमारा वर्क है ऑल द डे। ही को देखते हुए हम क्या लगा देंगे, विल बी, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात की जा रही है और हमारा जो मेन वर्ब है वो क्या है, वर्क, तो वर्क के साथ ing वाली फॉर्म हम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। द नेक्स्ट वन इज डोंट बी लेट और होस्ट, वेट मेन वर्ब है और होस्ट सिंगुलर की बात की जाती है तो हम क्या विल लगाएंगे, शैल नहीं आएगा, विल बी। वेट मेन वर्ब है तो इसके साथ आएंगे जब अप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या आएगा, विल बी वेटिंग एट द गेट। स्टूडेंट बाकी एग्जाम्पल भी इसी पैटर्न के तहत सॉल्व की जाएंगी। स्टूडेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत नेक्स्ट सारी एग्जाम्पल सॉल्व की गई हैं। नेक्स्ट में आपको जो 8 एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप देख सकते हैं इट विल, विल के साथ मैंने फ़ौरन बी नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने प्रोबेबली के बाद बी को एडजस्ट कर दिया था, इसलिए हमें पहले वो नहीं लगाना पड़ा। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब की बात कर दी जाए तो ये एडवर्ब था इसलिए इसके बाद बी लगा दिया गया, तो यहाँ पे बी नहीं लगाया गया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड। स्टूडेंट आप इसको अपने अल्फाजों में भी कर सकते हैं यानी, लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप ग्रामेटिकल और टेंस वाइज इसको बिल्कुल सही तरह सॉल्व करें। द फर्स्ट वन इज द हंटर विल बी रिटर्निंग सून, लेट्स गो टू द कैंप। द नेक्स्ट वन इज इन एन ऑल टाइम्स वी शैल बी गोइंग टू बेड सो डू नॉट सेंड पेपर्स नाउ। द नेक्स्ट वन इज डैश शी विल बी हेल्पिंग मदर all the afternoon after school, यानी कि वह स्कूल से आने के बाद अपनी मदर की हेल्प करती है। टू क्लॉजेज आ गई हैं, क्लॉज को सेपरेट करने के लिए मैंने कोमा अप्लाई कर दिया। द फोर्थ वन इज डैश आई शैल बी रिवाइजिंग फॉर माई एग्जामिनेशन ड्यूरिंग हॉलीडे ड्यूरिंग हॉलीडे, इसको भी क्लॉज को सेपरेट करने के लिए सेंटर में कोमा लगा दिया। द नेक्स्ट वन इज आई शैल बी कमिंग ओवर टू सी यू टूमोरो मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट वन इज मिस लिम विल बी टेकिंग अ डे ऑफ टुमोरो। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको जब लेक्चर 3 दिया गया था उस लेक्चर 3 के अंदर आपको क्वेश्चन टैग बहुत डिटेल में समझा दिया गया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यू विल बी कमिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब विल की शॉर्ट फॉर्म या हम उसको नेगेटिव में करेंगे तो हम विल की नेगेटिव फॉर्म क्या करेंगे, वॉन्ट लगा देंगे, वॉन्ट यू, और हमारा सब्जेक्ट क्या था, यू। द नेक्स्ट वन शी वॉन्ट बी गोइंग, यानी यहाँ पे विल नॉट की पहले ही शॉर्ट फॉर्म लगाई गई है और अगर हमारा पिछला पार्ट नेगेटिव में हो तो हमारा टैग क्वेश्चन हमेशा
पॉजिटिव में आता है तो हम क्या लगा देंगे, विल शी। तो बाकी एग्जांपल भी बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत सॉल्व की जाएंगी। स्टूडेंट बिल्कुल उसी पैटर्न के तहत ये सारे एग्जांपल सॉल्व की गई हैं। स्टूडेंट इस लेक्चर की जितनी प्रैक्टिस की आप करेंगे उतनी बेहतर तौर पे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और प्रैक्टिस से आपके ज़्यादा बेहतर तौर पर आप समझ पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।